खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, उसको समान नजरों से देखता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर, मैंने देखा उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया कि पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये देखें, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है, कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साटेगा। मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है, ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए। इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ, टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट देता हूँ। टीचर तो वो, अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे ना, उससे पूछोगे आपका क्या रिलीजन है, अगर वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करता है इसका मतलब वो गुरु है ही नहीं। टीचर का मतलब है सर्वधर्म संभाव, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, समझ में आया। और उसके लिए कोई भी, आप किसी भी नेशन में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा धर्म आपका देश होना चाहिए, देश इंसानियत से चलता है और इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद होना है खुशहाली। क्या मकसद है? खुशहाली, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही सबसे बड़ा मकसद होता है किसी टीचर का। इसलिए और मुझे उस मैसेज में भी नजर आया, वो खान सर सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि वो बच्चों को कुछ नहीं पता है, वो भी पाकिस्तान के कोई यू नो किसी एरिया में थे। अब मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, जो मतलब धर्म को सोचते हुए आपने खान सर को ट्रोल किया, मैं आपसे कहता हूं इंसानियत के नाते सोचिए, वो इंसान ने क्या कहा। इंसानियत के नाते उस इंसान के सिर्फ एक ही शब्द थे, वो यही चाहता था कि भाई ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम इनको तो हम लोग छोड़ दें, इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो यही तो मकसद था। ठीक है उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट कह सकते हो, ठीक है थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जा सकता था, बट कहने का मकसद उनका सिर्फ ये था, उनका दिल बड़ा साफ है अगर देखा जाए तो, उनके साफ दिल से उन्होंने यही कहा, चाहे आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, या दुनिया के किसी भी कोने की बात करो, वहां पर जो बच्चा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल जिंदगी के लिए उसको आगे बढ़ाओ, ना कि इन सब कामों के लिए। ये कह रहे थे छोटे से बच्चे को क्या ही पता कि ये सब क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, वो पॉइंट था। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज के लिए, और खान सर को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ ना जोड़ के देखा जाए, स्पेशली वो टीचर है। ठीक है अब कई लोग उसमें अलग लेवल से ट्रोल कर रहे हैं, नहीं वो हिंदू है वो मुस्लिम है, क्या हो गया हम लोगों को, कब तक ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोते रहेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं किसी धर्म, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। ठीक है मैं एक टीचर हूं, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसको मैं मानता हूं, मेरे लिए सारे, मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूं और सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, यही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंसानियत। मैं कहूंगा कि आप लोग ये मैसेज खान सर तक पहुंचाओ और सारी टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए, और किसी को किसी की कास्ट से ना देखते हुए एक टीचर को तो कम से कम आप बख्श दीजिए और बच्चों को बख्श दीजिए। ठीक है टीचर टीचर होता है, उसकी भावनाओं को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टीचर सिर्फ यही चाहता है कि कोई भी देश का हो बच्चा, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, कितनी अच्छी बात है वो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बच्चों के लिए सीख दे रहे हैं कि उनको पढ़ाइए, अगर देश की उन्नति प्रगति चाहते हैं कि उन बच्चों को पढ़ाइए, उनको खुशहाल जिंदगी के लिए मोटिवेट करिए, समझिए इस चीज को, पीछे के मकसद को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को मैं तो अपना पूरा समर्थन देता हूं खान सर को, और सब लोगों को साथ आना चाहिए।